अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। दोस्तों, थंबनेल में आप जो कब्र देख रहे हैं, ये कब्र कोई आम कब्र नहीं है, बल्कि ये हमारे आपके प्यारे नबी जनाब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वालिदा की कब्र है। इस मुबारक कब्र के अंदर वो खातून आराम फरमा हैं जिस खातून के शिकम मुबारक में हमारे और आपके प्यारे नबी नौ महीना तक आराम फरमा रहे। लेकिन अफसोस, बहुत अफसोस की बात यह है कि सऊदी अरब, जहाँ पे ज़्यादातर रहने वाले लोग मुसलमान ही हैं, उस मुल्क के अंदर इस घटिया हरकत को अंजाम दिया जाता है। इस घटिया हरकत को करने वाले कौन लोग हैं, अभी तक इस बारे में कोई भी मालूमात नहीं मिली है। मकामी लोग भी इस बात को लेकर काफ़ी गुस्से में हैं, हुकूमत से मांग कर रहे हैं कि जो भी इसका गुनाहगार है उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। आप वीडियो के ज़रिए देख सकते हैं कि इस हादसे से पहले इस कब्र के मनाजिर कैसे हुआ करते थे और हादसे के बाद अब किस तरह से इसके मनाजिर हो गए हैं। कुछ वक्त पहले कब्र के आसपास के पत्थरों को हरा कर दिया गया था और कुछ वक्त के लिए इस कब्र पर हरी चादर भी डाली गई थी। काफ़ी बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी गुनहगार को सज़ा देने की मांग कर रहे हैं और इस घटना को, इस हादसे को बहुत ज़्यादा दुखद बता रहे हैं। जिस किसी ने भी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा की कब्र के साथ ये गुस्ताखाना हरकत की है, भले ही वो हुकूमत की पहुंच से बच जाए, हुकूमत की निगाहों से बच जाए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको मैदान महशर में एक बहुत सख्त और बहुत ही ख़तरनाक सज़ा देगा। सलाम अलैकुम या रसूलुल्लाह, सलाम अलैकुम अबू बकर सिद्दीक, सलाम अलैकुम या उमर बिन खत्ताब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा की कब्र पे ढेरों रहमतें, ढेरों बरकतें अता फरमाएं।